हाय गाइस, आज हम बनाएंगे अरवी का पत्ते का पकौड़ा और सब्जी। तो चलिए पत्ते को हम काट लेते हैं। ये हमारे घर पे ही है, हम घर से ही इसको लेंगे। ये देखिए हम पत्ते को काट रहे हैं ऊपर से ही। हमें जितनी ज़रूरत है उतना हम ले रहे हैं, ले लेंगे। ये देखिए हमारा छोटा पत्ता है अरवी का। फिर हम इसके बाद बड़ा वाला पत्ता भी लेंगे। ये देखिए बड़ा वाला पत्ता है। अब हम इसको नीचे से, ये जो कड़ा वाला डंठल है इसको हम निकाल लेंगे सारे पत्तों में से। हमने इसको पानी से धुल लिया था। ये देखिए हमने मसाला ले लिया है पकोड़े में मिलाने के लिए। ये हरी मिर्च, ये खटाई, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1.5 चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, लहसुन को हमने छीलकर कलबट्टे में कूट लिया है, 1/2 चम्मच जीरा। ये सारे मसाले हैं जो हम लाएंगे पकौड़े। ये देखिए हमने बेसन ले लिया है, चने का बेसन, और चावल का भी पाउडर हमने ले लिया है। दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। हमने 1/2 किलो बेसन ले लिया है। अब हम इसमें सारे मसालों को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। 1 से 1.5 चम्मच हमने नमक डाला है स्वाद अनुसार। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाला अच्छे से मिल जाए। ये देखिए हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम इसको एक एक पत्ते पे मसाले को लगा लेंगे। देखिए हम कैसे लगा रहे हैं। एक बर्तन पे ऐसे ही पत्ते रख कर मसाले को लगा लेंगे। ये देखिए छोटा पत्ता हमने रख लिया है, एक बड़ा पत्ता, एक छोटा पत्ता, फिर बड़े पत्ते को लगा लेंगे। अब चारों तरफ से मसाले को अच्छे से लगा लाए हैं।
ये देखिए फिर हमने छोटा पत्ता ले लिया, ये हमारा चौथा पत्ता है। फिर इसके बाद एक और बड़ा वाला पत्ता ले लेंगे, अब हम इसको धीरे धीरे मोड़ेंगे। ये देखिए ऐसे करके इस पर मसाले हम लगा लेंगे, फिर इसको मोड़ लेंगे। जैसे जैसे आप इसको मोड़ते जाएंगे वैसे मसाला को लगाते जाना है, जितना मसाला लगेगा उतना ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। अभी देखिए लास्ट में वैसे दबा देंगे। ये देखिए गाइस हमने कढ़ाई ले ली है, उसमें हम ऐसे ही लकड़ी ले लेंगे, उसको ऐसे ही रख देंगे कढ़ाई में। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, हम इसको भाप से ही उबाल लेंगे। पहले इसको उबालना है हमको। ये देखिए हमने तीन पीस रेडी कर लिया है, अब हम दो इसको इस पे रख देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको हम उबालेंगे। फिर हम एक बर्तन से इसको ढक देंगे। बीच बीच में देखते रहेंगे। चलिए देख लेते हैं, और एक पत्ता उबल गया है कि नहीं। ये देखिए और एक पकौड़ा उबल गया है। अब इसको हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब तीसरे पत्ते को भी उबाल लेंगे। ये देखिए अब हम इसको छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। ये देखिए हम छोटा पीस में इसको काट रहे हैं। सबको ऐसे ही काट लेंगे छोटे पीस में। फिर अब इसके बाद हम इसको काटने के बाद इसको तलेंगे कढ़ाई में। ये देखिए गाइस हमने कढ़ाई गैस पर रख दी है, इसमें हम सरसों का तेल डाल लेंगे। अब इसमें हम तल लेंगे पकौड़े को। ये देखिए हमारा पकौड़ा रेडी हो गया है। अब सारे पकौड़े हम ऐसे ही तल लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। एकदम इसका मछली जैसा टेस्ट आता है खाने में।
ये देखिए गाइस, हमारा पकोड़ा रेडी हो गया है। अब चलिए हम सब्जी बना लेते हैं पकोड़े से। ये देखिए, हमने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च ले लिया है, दो तीन हरी मिर्च, दो टमाटर, दो प्याज। ये देखिए, हमने कढ़ाई गैस पे रख दी है। अब इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम तेज पत्ता डाल देंगे, फिर हरी मिर्च, इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज में हम को गलाने के लिए थोड़ा सा इसमें हम नमक ऐड करेंगे ताकि प्याज अच्छे से गल जाए। ये देखिए, हमने थोड़ा नमक डाल दिया है। प्याज को गला लेंगे गोल्डन ब्राउन तक। ये देखिए, हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। अब इसे टमाटर डाल देंगे, टमाटर को थोड़ा गलाएंगे। गलाने के बाद इसमें हम मसाला ऐड करेंगे, एक चम्मच हल्दी पाउडर छोटा चम्मच, एक चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को। मसाला पकाने के लिए हम इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भून जाए। ये देखिए, हम मसाला रेडी हो गया है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, डेढ़ गिलास पानी। हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। इसमें हम पकोड़े को डाल देंगे। ये देखिए, हमने 6-7 पीस इसमें डाल दिया है। देखिए गाइस, हमारी सब्जी रेडी हो गई है। कैसी लग रही है सब्जी देखने में? अगर आपको हमारी रेसिपी आज की अच्छी लगी हो, पकौड़ा और अरवी की सब्जी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को एंड तक देखा करिए। ओके, बाय, थैंक यू।